Sairam everyone. अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है जिससे हम अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेना हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक साई राम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है ना ये हमने कंप्लीट कर ली है। चलो ठीक है मैं आपको क्या दिखा रही थी एक स्लाइड दिखा रही थी वो हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी तो हम वो स्लाइड करेंगे वो भी पीडीएफ में। ओके ओजस अच्छा क्लास का रूल क्या है कोई भी तब तक नहीं बोलेगा जब तक मैम उसका नाम नहीं बोलती है ना। हाँ वेरी गुड ओजस बड़े जल्दी कहना मान जाता है ये तो बहुत अच्छी बात है ओजस की। यस कनिष्का आप क्या बोल रही थी बेटा मैंगो सिमेट्री जिसमें आपने लिखवाया था उसमें क्या करना है अभी कुछ नहीं करना है ठीक है अभी कुछ मत करो जब भी मैं बोलूंगी ना आप तभी उसको करना मैं आपको होमवर्क दूंगी। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ आप भी अपनी बुक टेक्स्ट बुक ओपन करो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर निकालो और हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमने कर ली है कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी है ओके फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं अपनी मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करके बताना स्क्रीन दिख रही है या नहीं। ओके मैम दिख रही है मैम दिख रही है नंबर टू ओपन करना है बच्चों ये वाला है ना पेज नंबर टू एक्सरसाइज बी मुझे सिर्फ आपसे कंफर्म करना है कि आपने ये वाली एक्सरसाइज की है। यस मैम हमने कर लिया मैम ये मिस्टर पांडे मैम करवाई थी। ओके मिस्टर पांडे मैम ने करवा दी ये वाली एक्सरसाइज ठीक है। कम टू पेज नंबर थ्री नाउ जो बच्चे लेट आए हैं उनकी शायद से नहीं हो पाई होगी जैसे आन्या बाद में आई है तो आन्या आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेना इसमें कुछ नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में कर ली है आपने आन्या। नो मैम मैंने पूरा इसमें आपने नहीं किया ना देखो इस वाली एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना हमें सिर्फ ये लिखना है कि ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो स्टेयरकेस को हम कहाँ से देख रहे हैं बेटा साइड से देख रहे हैं हम फ्रंट से देख रहे हैं या फिर टॉप से देख रहे हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट वाले में हम कहाँ से देख रहे हैं दिव्यांशी बताएगी दिव्यांशी मैम दिव्यांशी ड्राइंग नहीं करती बस वो कभी कभी करती है। अनन्या बताइए अनन्या साहू अनन्या विल से यस मैम मैम दिव्यांशी मीना है इट्स ओके। चलो अनन्या आप बताओ फर्स्ट वाला जो हम जीने देख रहे हैं स्टेयरकेसेस देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं हम फ्रंट से टॉप से साइड से मैम टॉप से टॉप से देख रहे हैं फर्स्ट वाला अनन्या आप बताओ मैम साइड व्यू साइड व्यू अनन्या ये साइड व्यू है क्यों क्योंकि देखो जब भी हम दूर खड़े होते हैं ना हमारे घर के जो जीने होते हैं स्टेयर केसेस होते हैं जब हम उनको साइड से देखते हैं ना तब हमें ऐसा वाला व्यू मिलता है बेटा तब हमें ऐसे दिखते हैं जीने। और सेकंड नंबर वाला कैसा है सेकंड नंबर वाले में हम टॉप में खड़े हुए हैं टॉप में जब खड़े होते हैं हम या फिर हम नीचे भी खड़े होंगे ना डाउन में बॉटम में तब भी हमें ऐसा ही दिखेगा और हम टॉप में खड़े होंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा। मैम यस मैम मुझे वो फ्रंट लग रहा है टॉप नहीं लग रहा आपको फ्रंट लग रहा है हाँ फ्रंट व्यू बेटा जीनों के ऊपर खड़े होके भी ये फ्रंट व्यू हो सकता है सेकंड नंबर वाला डिस्कस कर रही हूँ बेटा मैं
यस मैम ये पूरा सेकंड नंबर वाला साइड व्यू है। यस मैम बच्चों सेकंड नंबर वाला फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कहाँ से, या तो टॉप से भी हो सकते हो, फ्रंट व्यू टॉप से भी हो सकते हो, डाउन जो नीचे खड़े हुए देखते हो वहां से भी फ्रंट व्यू हो सकता है। तो फर्स्ट वाला है साइड व्यू, सेकंड वाला है फ्रंट व्यू, थर्ड वाला जो टेबल का व्यू है वो कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। वेरी गुड। अच्छा ये चेयर वाला बताओ, चेयर वाला कौन सा है? साइड व्यू। साइड व्यू। साइड व्यू। ओके पेंसिल का टॉप व्यू। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लगभग एक जैसे। बॉटम व्यू। बस का बॉटम भी हो सकता है बेटा, बॉटम भी हो सकता है। पेंसिल को अगर बॉटम से देखेंगे, देखो मैं बताती हूँ, ये मार्कर मैं दिख रही हूँ आपको? यस मैम। यस मैम। देखो अगर ये वाला जो मार्कर है उसको यहाँ से देखूंगी, डाउन से देखूंगी, या ये भी मेरे लिए फ्रंट व्यू है और डाउन से भी ये मेरे लिए वही व्यू है, तो यहाँ से भी मुझे सेम व्यू दिखेगा। अब इसी को मैं डाउन व्यू ऐसे देखूंगी, टॉप व्यू से ऊपर से देख रही हूँ ना मैं इसको, तो ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू भी हो गया, तो यहाँ से भी सेम चीज दिख रही है। अब मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगी तो आप नहीं बोल सकते कि ये डाउन व्यू है या फिर टॉप व्यू है या फिर फ्रंट व्यू है, क्योंकि ये एक जैसा दिखेगा डाउन व्यू में भी, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी, तो ये तीनों एक जैसे हैं। ओके अगर मैं इसको ऐसे में देखूंगी तो ये क्या होगा? साइड व्यू होगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ एक ही चीज याद रखो, फ्रंट व्यू। सिर्फ फ्रंट व्यू याद रखो और साइड व्यू याद रखो, और आप कुछ याद मत रखो। एवरीथिंग इज ओके ना? समझ आ रहा है बच्चों? आप सिर्फ दो ही चीज याद रखो, ये फ्रंट व्यू याद रखो, साइड व्यू याद रखो। आप फ्रंट व्यू और साइड व्यू याद रखोगे ना तो आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ लास्ट वाला जो बस का व्यू है वो कौन सा व्यू है? साइड व्यू। साइड व्यू। ओके बच्चों ठीक है, जल्दी जल्दी से एक्सरसाइजेस रिव्यू कर लेते हैं, हमने कितनी कर ली है कंप्लीट। जो बच्चे लेट आए हैं, जैसे आन्या लेट आई है, तो बेटा यू हैव टू सी, आप थोड़ा सा देख लेना जो जो एक्सरसाइजेस आपसे हो रही हैं आप कर लेना, जो नहीं हो रही है यू कैन आस्क मी, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। तो आपको किसी भी चीज का टॉप व्यू बनाने भी यही कर दिया। ओके तो आप लोग इसमें टॉप व्यू बनाना, ठीक है, इसमें कोई भी दो चीजों का आप टॉप व्यू बना लो, कोई भी दो चीजें। आप अपने मोबाइल का टॉप व्यू बना सकते हो, हाँ कोई बात नहीं, कम से कम तो दो होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी जितनी मर्जी हो आप बना सकते हो। ठीक है, कमिंग टू पेज नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री पे नॉर्मल डिजाइंस बनानी है। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छे से दिख रही है? ठीक है, तो ये रंगोली वाली डिजाइन है, ये आपको बनानी है। फिर पेज नंबर फोर, पेज नंबर फोर पे क्या है? यही रंगोली वाली डिजाइन है पेज नंबर फोर पे। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, कॉपी दी शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड्स, नोट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ओके इस तरीके की आपको नॉर्मल डिजाइन बनानी है, आप खुद की भी डिजाइन बना सकते हो। पेज नंबर फाइव, यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन शेप्स। ये शायद से मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, यही वाली एक्सरसाइज मैंने आपको नोटबुक में भी करवाई है, डॉट ग्रिड वाली, यही वाली आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना बच्चों। ये वाले फिगर्स आप कंप्लीट कर लेना। क्या बच्चों? ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब आपको कंप्लीट करनी है। आप आराम से कर लेना, अभी तो कितनी छुट्टियां हैं, आप आराम से कर लेना, नो इशू। हाँ मैम, जो सिक्स पेज है उसमें जो यहाँ पे जो काइट बोट लीप, पेज नंबर सिक्स में आऊंगी, अभी पेज नंबर सिक्स में पहुंची नहीं हूँ बेटा, पेज नंबर फाइव में बता रही हूँ अभी।
ठीक है, पेज नंबर 5 में ये फिगर्स हैं, ये सब आप कंप्लीट कर लेना। आन्या आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम, ये भी मैंने कर लिए। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है? जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, आप मुझसे प्लीज पूछ लेना, ठीक है बच्चों? जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की है पहले वाली, अभी तो मुझे सिर्फ आन्या का पता है क्योंकि न्यू स्टूडेंट में उसी का नाम है। उसके अलावा जो बच्चे पहले एब्सेंट रहे हैं, उन्होंने बाद में क्लास ली है, प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना, फिगर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में काइट, लीव, फ्लावर, गोट, स्टार, पॉट, ये सब में से आपको कोई भी 3 चीजें, जो भी चीजें आपको मन करे बनाने के लिए, यू कैन ड्रॉ इट इन योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी इतनी एक्सरसाइजेस है बच्चों, इसलिए मैं आपकी नोटबुक में अभी एक्सरसाइज करवा नहीं रही हूँ। नोटबुक में आपको क्या करना है, सिर्फ टेबल्स लिखनी है। क्या बच्चों, आपकी नोटबुक में टेबल्स लिखवाई है आपको निशा मैम ने? यस मैम। यस मैम। फिफ्टीन तक लिख लोगे आप? मेरे अकॉर्डिंग आप 15 तक टेबल्स तो एटलीस्ट लर्न करो, कम से कम नोटबुक में 15 तक आपको टेबल लिखना है। 15 तक आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। आन्या आप अपनी नोटबुक में 15 तक टेबल्स लिख लेना बेटा। मैंने क्लास में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारा नया आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी पता है, तो जल्दी जल्दी आप सुन लो एक्सरसाइजेस। इसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी भी बताऊंगी, वो एक्टिविटी आपको करनी है, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इसीलिए आप जल्दी से बिल्कुल ध्यान से सुन लो जो जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी 3 चीजें आपको बनानी है, काइट बना लो, लीफ बना लो, फ्लावर बना लो, बोट बना लो, स्टार बना लो, पॉट बना लो, जो भी आपको बनाना है यू हैव यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है? कमिंग टू पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में यस हाँ बच्चों, सबकी तो माइक ऑन है, अनन्या ने माइक ऑन छोड़ रखा है अपना। हाँ राम बोलो। मैम मुझे फीवर आ रहा है, मैंने ले पाऊंगा क्लास? कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, आप लीव कर लो मीटिंग, है ना? इट्स ओके, ध्यान रखना अपना। चलो बच्चों, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे कोई एक्सरसाइज नहीं है, जल्दी से पेज नंबर 8 पर आ जाओ। सब लोगों ने पेज नंबर 8 निकाल लिया होगा ना? यस मैम। यस मैम। पेज नंबर 8 पर देखो, इनकम्प्लीट ड्रॉइंग्स है। ये जो पेंटर है ना, ये बहुत चालू है, इसने इनकम्प्लीट ड्रॉइंग्स बनाई है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी मिरर इमेजेस हैं, मिरर लगाएंगे तो ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये पेंटर की आधी ड्रॉइंग्स हम कंप्लीट करेंगे, ओके? ये बटरफ्लाई दिया, ये लायन है, ये स्टार है, फिश है, इन सबको हमें कंप्लीट करना है। क्या बच्चों, जो बटरफ्लाई की साइड पे जो पिक्चर बनी है वो किसकी है? मैम दीपक की है ना? दीपक है, वो दिया होता है ना, हम दिया जलाते हैं दिवाली में, वो है। देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, मिरर इमेज में क्या होता है, जो इस तरफ होता है वो इस तरफ होता है। मैंने आपको एक बटरफ्लाई भी ड्रॉ करके बताई थी, ये रही बटरफ्लाई मेरी, है ना? देखो अब इस तरफ जो चीज है ना वही इस तरफ रहेगी। तो ड्रॉइंग में जो जो चीजें बनी हुई है, दीपक का जो कोई भी आपको साइड व्यू दिख रहा है वैसा का वैसा आपको इस तरफ बनाना है। अगर आपको ड्रॉइंग समझ में नहीं भी आ रही है ना, आप क्या करना, सिंपली जो इस तरफ दिया हुआ है उसी को आप इस तरफ बना देना, तो अपने आप आपकी ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको समझ आया मैंने आपको क्या बताया, कि जो दीपक दिख रहा है ना, दिया दिख रहा है, इसके साइड में बिल्कुल ऐसी की ऐसी आप ड्रॉइंग जो
लेफ्ट साइड में दी हुई है वही आप राइट साइड पे ड्रॉ कर दोगे ना तो ड्रॉइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ऐसे ही जो नीचे फिश दी हुई है जैसी वो ऊपर दी हुई है वैसे आप नीचे बना दो तो वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अब ये देखो इम्पोर्टेंट चीज, ये देख रहे हो आप ये जो स्नेल दी हुई है क्या बच्चे? यस मैम, ये वाला पूरा नहीं कर पाया मैंने। इट इज ओके, अभी नहीं, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बच्चों, ये आपको करना है ठीक है। किसी ने नहीं भी कर पाया है ना इट्स ओके, आप कर लेना। देखो ये स्नेल दिया हुआ है, ये कप दिया हुआ है और एक फ्लैग दिया हुआ है। अब मुझे कौन बताएगा? कियांशी आप बताओ, कियांशी है क्लास में? यस मैम आई कियांशी। ओजस, ओजस तो चुप रह ही नहीं पाता। ओजस बेटा वो होगी ना क्लास में तो वो खुद बोल देगी है ना। कृतिका आप अपना माइक ऑफ करो, सब अपना माइक पर ध्यान दिया करो, माइक को ऑफ रखा करो बच्चों। मैम मेरा माइक ऑफ था। चालू हो गया, कोई बात नहीं। चलो कियांशी ये तीन इमेजेस जो आपको दिख रही हैं आप मुझे बता सकती हो कि ये मिरर इमेज बनाएंगी? इनकी मिरर इमेज बन सकती है? अगर हम इनको काट देते हैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या मिरर इमेज बनेगी? नो मैम, तीनों की ही नहीं बनेगी। मैम कैटरपिलर की बनेगी। किसकी? कैटरपिलर की इसकी बनेगी? यस मैम। कैसे बनेगी बच्चे? मैम फ्लैग की बनेगी। अगर हम इसको आधे काट देंगे और उसको मिरर में लगाएंगे तो उसका जो पूरा सर्कल आ जाएगा। सर्किल तो आएगा लेकिन नीचे देखो बेटा उसके लेग्स भी हैं, फिर उसके ऊपर सिर के ऊपर भी लेग्स हो जाएंगे और नीचे भी लेग्स हो जाएंगे, फिर तो गलत ड्राइंग हो जाएगी वो, है ना? मैम फ्लैग में मैम फ्लैग की होगी। फ्लैग की होगी? फ्लैग की कैसे होगी? देखो अगर हम फ्लैग को, आप ऐसे में बोल रहे हो, फ्लैग को काटी भी नहीं होगी। फ्लैग को अगर ऐसे में काटेंगे ना बेटा तो उसकी ऊपर निकल आएगी या फिर इसके गायब ही हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? किसी कोई ऐसा है जिसको डाउट हो रहा है? एक बार नो डाउट का बोल के बता दो जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। नो डाउट ठीक है बच्चों। तो मैंने किसने पूछा, किससे पूछा था? कियांशी से पूछा था ना, कियांशी और मैं बात कर रहे थे। कियांशी तीनों में ही मिरर हाफ बनेगा नहीं, है ना? तो आप सबको बच्चों को यहाँ पर नीचे कोई भी तीन चीजें ड्रॉ करनी है जिनका मिरर हाफ नहीं बनेगा। आया समझ में बच्चों? नहीं बनेगा क्या? क्या बेटा? ग्लास का नहीं बनेगा इसका बच्चों? ग्लास का, ये जो कप दिया हुआ है उसका? नहीं मैम, वो जो ग्लास ये वाला ग्लास। बेटा ग्लास तो बन जाएगा। अब अभी आप आइडियाज मत दो, सब अपने अपने डिफरेंट आइडियाज अपने पास छुपा के रखो, अपने अपने आइडियाज रिवील नहीं करने, अपने अपने आइडियाज छुपा के रखो। ड्रॉ करना, मैम को फोटो खींच के भेजना, मैम देख लेंगी किसको कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आए हैं। मैम किस में करना है, नोटबुक में या टेक्स्ट बुक? बेटा सब कुछ टेक्स्ट बुक में करना है, जो जो एक्सरसाइजेस मैं आपको दे रही हूँ ना सब आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। हाँ मैम, लेटर्स बना सकते हैं मैम? मिरर हाफ जो बनती है उन्हीं को बनाना है या जो नहीं बनती है उनको बनाना है? जो नहीं बनती, जैसे तीन एग्जांपल ऊपर दिए हुए हैं ना बच्चों, देखो कैटरपिलर का दिया हुआ है, कप का दिया हुआ है, फ्लैग, ये कौन से एग्जांपल्स हैं जो नहीं बन सकते? तो हमें भी नीचे लिखा हुआ है ना, ड्रॉ थ्री मोर सच थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ्स। जिनके मिरर हाफ्स नहीं होते हैं वो आपको बनाना है। अभी हम पीपीटी करेंगे ना, आपको पीपीटी से इतने आइडियाज मिलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लो। पीपीटी करेंगे हम, उसमें आप चुपचाप से आइडियाज ले लेना। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे, अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, आपके आइडियाज स्किप हो जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी।
क्या बच्चों? लेटर्स भी बन जाएंगे। लेटर्स भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। पूर्वाज तो अपने सारे आइडियाज क्लास में ही दे रहा है, सब लोग बना लेंगे। छुपा के रखो अपने आइडियाज बेटा। मैम एल, मैम एल भी बन सकता है, एल देखना। अब बिल्कुल शांत, चलो अब हम आ गए हैं मिरर हाफ्स में। हम ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से मिरर हाफ्स बनेंगे, कौन कौन से मिरर हाफ्स नहीं बनेंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ अच्छा, फर्स्ट वाला ये मिरर हाफ है। दक्ष बताएगा, दक्ष ये मिरर हाफ है फर्स्ट वाला ट्राइंगल? दक्ष यस मैम, मिरर हाफ है ये वाला ट्राइंगल? मैम फर्स्ट वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको? देखो ये लाइन ड्रॉ है बीच में, वही वाला है। एक तरफ वाला साइड दूसरी वाली साइड के जैसा है या नहीं है? बीच में जहाँ पे लाइन दिखी है ना, वहां से कट के देख, कट करके देखना है बेटा हमें। समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम है। वेरी गुड। अच्छा सेकंड नंबर वाला अभिराज बताएगा। अभिराज बनाएगा। वेरी गुड। अच्छा आदित्य आप बताओ थर्ड नंबर वाला। यस मैम, थर्ड नंबर वाला मिरर हाफ बनाएगा? ये वाला आपको कर्सर दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है? यस मैम। ये वाला बनाएगा मिरर हाफ? नो मैम, नहीं बनाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो उसका ऊपर वाला कॉर्नर साइड दिख रहा है, अगर हम उसको ऐसे पार्टीशन उसको ऐसे जोड़ देंगे तो दोनों तरफ कोन बन जाएगी, दोनों तरफ ऐसा फिगर बन जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों आपको? सपोज करो, एक मिनट में ट्राइंगल बना के बताती हूँ आपको। देखो ये है ट्राइंगल, ये है ना ट्राइंगल, दिख रहा है? दिख रहा है आपको बच्चों? मैम आपका यस मैम, यस मैम शो कर रही हूँ छोटी स्क्रीन से। मैम आपका कैमरा ऑफ है। मेरा कैमरा ऑफ है? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। मैम ऑन है आपका, तो ऑन है, ऑन है आपका। देखो जिन बच्चों को नहीं दिख रही हूँ ना मैं, वो आप स्क्रीन पे देखकर समझ लो बच्चों, ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। देखो हमने ऐसे इसकी बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, अब ड्रॉ करेंगे तो हम इसको मिरर हाफ करेंगे। अब मिरर हाफ करेंगे तो एक तरफ ये ऐसा हो जाएगा और एक तरफ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये तो मिरर हाफ बन ही नहीं रहा है ना। चलो फोर्थ वाला मैं पूछती हूँ अनन्या से। अनन्या फोर्थ वाला बताओ बेटा। यस मैम, फोर्थ वाला मिरर हाफ बनाएगा? यस मैम, बनाएगा मिरर हाफ। अच्छा आन्या आप बताओ, फोर्थ वाला मिरर हाफ बनाएगा क्या? यस मैम, बनाएगा? श्योर हो? नो मैम, नहीं बनाएगा। चलो हम देखते हैं। देखो ये है हमारे पास स्क्वायर, मैं एक मिनट, आप मैम नहीं बनाएगा। एक मिनट बच्चों, मैं ये वाली चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अब मैं सबको दिख रही हूँ ना अच्छे से, ये देखो ये है हमारे पास स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर में कहाँ से लाइन ड्रॉ की हुई है? मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ? अच्छा तो ये हमने कर ली है लाइन ड्रॉ, सबको दिख रहा है ना? ऐसे में है ना बच्चों लाइन ड्रॉ, कैसे में? ये है आपके फिगर में ऐसा ही दिया हुआ है ना, ठीक है? अब हम इसको कर लेंगे कट, जैसे लाइन ड्रॉ है वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है? देखते हैं, ओके ओके ओके।
मैम जो देखो बच्चों मैम जो बनाए हैं इस तरह कलर कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? यस कर्णिका, कर्णिका जो हमने ये सारी चीजें सोची हैं बनाएंगे तो वो हमें कलर भी करना है। किसमें करना है बेटा? आपको नहीं कुछ कलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। देखो जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप सब लोग ध्यान से सुना करो बच्चों, जो मैं बोलती हूँ सिर्फ आपको वही करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज करनी होगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। चलो अब हम देखते हैं, ये देखो इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, इस ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर हो रहा है। ये देखो ये ऐसे में देखो आप, ये वाला साइड यहाँ पे, ये वाली जो साइड है यहाँ से निकली हुई है ना, दिख रहा है आपको क्लियरली? ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है ना? यस मैम, यस मैम। ये वाली साइड यहाँ से निकली हुई है बच्चों, है ना, ये वाली साइड यहाँ से निकली है, ये वाली साइड यहाँ ऐसी गई है और ये वाली साइड यहाँ पर आके ऐसी हो गई। लेकिन अब हम जब ये वाला साइड देख रहे हैं तो इसमें ये वाली साइड तो ऊपर आ रही है बच्चों, है ना, इसका मतलब ये मिरर हाफ नहीं है। आया समझ में बच्चों? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई ये वाली चीज? देखो ये स्क्वायर दिया हुआ था, इस स्क्वायर में मिरर हाफ वाली लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन जैसी थी हमने इसको वैसे ही फोल्ड कर दिया। हाँ बेटा मैंने कर लिया, देखो। ओके ओके फाइन, तो ये वाली जो साइड है ये नीचे आ रही है, लेकिन जब हम इस ये वाली साइड देख रहे हैं, कौन सी वाली साइड? ये वाली, तो इसमें ऊपर आ रही है, दिख रहा है ना आपको? एक तो मेरा ना बैकग्राउंड भी व्हाइट है और पेज भी मैंने व्हाइट यूज किया है ना, तो शायद आपको प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, आपको आया? इसीलिए बच्चों ये फोर्थ वाला जो हमने देखा ना अभी, फोर्थ वाला फिगर, ये मिरर हाफ नहीं बनाएगा। आपको आया समझ में? यस मैम। ये फोर्थ वाला है ना, चलो थर्ड नंबर वाले पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर वाला बनाएगा मिरर हाफ? किससे पूछना था मुझे? आन्या के बाद उनकी बारी है। आरव, वेयर इज आरव? मैम आरव को किसी की क्लास में ज्वाइन नहीं हुआ। अच्छा ऐसा करते हैं सब लोग एक साथ जवाब दे दो मुझे, क्योंकि बेटा टाइम जा रहा है और बहुत सारा वर्क हमारा बचा है, मैं एक एक से इंडिविजुअली कॉल आउट करके बोलूंगी ना तो फिर हमारा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सब लोग कोऑपरेट करना, ज्यादा चिल्लाना नहीं है, बार बार यस नहीं बोलना है नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। इज दैट ओके? बस एक दो बच्चे यस एंड नो कर दो और जिसको भी डाउट हो रहा है वो डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप शांत रहो। बस एक या दो बच्चे यस और नो बोल देंगे ना तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया। चलो ठीक है जल्दी से ठीक है, ये ट्री वाला जो है ट्री वाला सिमेट्रिक है या नहीं है? नो मैम, नो मैम नहीं है। सिमेट्रिक है? नो मैम। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर ट्री को ऐसे में कट करेंगे वर्टिकल करेंगे तो? यस मैम। वेरी गुड, वर्टिकल करने में बनेगा। अच्छा बी वाला बताओ, बी वाला ये वाला? यस मैम। हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल। ओके ये बी तो मैंने आपको शायद बताया। ठीक है टी वाला बनेगा। वेरी गुड, ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट वन। अच्छा ये वाला नहीं बनेगा मैम, नहीं बनेगा। ये वाला
नहीं बनेगा, नाम ही लेना पड़ेगा। बच्चों बी क्वाइट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप सुनते रहना बिल्कुल शांति से। ये वाला फिगर जो मैं बता रही हूँ ये आपको दिख रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टली नहीं बनेगा, वर्टिकली बनेगा। ओके, फोर्थ वाला जो ये थर्ड वाला सॉरी जो हार्ट शेप है, हार्ट शेप वाला जो है वो वर्टिकली जब हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे तो बनेगा, और जब हम स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो नहीं बनेगा। एम वाला वर्टिकल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसको बस क्या किया है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, उसको टेढ़ा कर दिया, इसमें भी स्ट्रेट लाइन खींचिए तो ये वाला बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला जो एरो शेप दिख रहा है, एरो शेप वाला और वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में नहीं बनेगा। अच्छा, ये अपना थर्ड नंबर वाला नहीं बनेगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, अच्छा लास्ट वाला कौन बताएगा? बेटा मैं सबको नहीं पूछ पा रही हूँ, आप भी तो समझो, क्योंकि ना अभी मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अभी मुझे भी जो आपको मैं टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ ना वो ही दिखाई दे रही है। बेटा आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, है ना, सारे बच्चे मुझे नहीं दिखाई देते हैं। बच्चों ये थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, मैं सबका, मेरे पास शीट है, मैं सबका नाम लेती हूँ, लेकिन क्या होता है ना इंडिविजुअली बार बार नाम लेती हूँ तो क्लास में टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो, किससे नहीं पूछा मैं अगली क्लास में आपसे पूछ लिया करूंगी। किसने बोला था कि मुझसे नहीं पूछा, योगांशी से नहीं पूछा? मैम और रोजी से, मैम मतलब मैम समाज से, और मैम जय से, मैम आपने मैम से नहीं पूछा, मैम बटुक से। ठीक है बेटा, मैं पूछ लिया करूंगी आपसे। बेटा आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है, आप समझो ना मैं क्यों नहीं पूछ पा रही हूँ, आप थोड़ा सा समझो, मैम के साथ कोऑपरेट करके चलो बच्चों, है ना, मैं इंटेंशनली नहीं कर रही हूँ ऐसा। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो। ठीक है, चलो मैं आपको लास्ट वाला फिगर बता रही हूँ, ये मुझे कौन बताएगा? योगांशी आप ही बता दो। योगांशी बेटा लास्ट वाला बताओ, ये मिरर इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? योगांशी मिरर इमेज बनेगी इसमें लास्ट वाले में? नो, यस मैम बनेगी। यस, अच्छा चलो मैं आपको इसमें आपको बताती हूँ, आप सब लोग देखना, कोई ऐसा है जिसको मैं नहीं दिख रही हूँ? देखो अब मैं आप सबको दिख रही हूँ। मुझे नहीं दिख, आप दिख रही हूँ? यस, आप दिख रही हूँ या नहीं? ठीक है बच्चों, देखो ये है वो फिगर, है ना, ये फिगर दिया हुआ है ना हमारी टेक्स्ट बुक में, तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, हमने देख, मैंने देखो लाइन ड्रॉ कर दी है। अब लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ऐसा इसको हम जब ऐसा रख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो पार्ट है ऐसे में नीचे आ रहा है, ये वाली जो लाइन है ये नीचे आ रही है बच्चों, लेकिन जब हम इसको ऐसे में देखेंगे तो ये वाली लाइन ऊपर आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है। आया समझ में? मैम नो, नहीं आया समझ में? मैम नो, मैम ही आया। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है ना टेक्स्ट बुक में, हमने इसमें बीच में लाइन ड्रॉ कर ली मिरर हाफ वाली, मिरर हाफ वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, है ना। अब आप देखो
एक साइड देखो, एक साइड कैसा दिख रहा है, एक साइड में क्या हो रहा है, लंबा वाला पार्ट यहाँ आ रहा है और छोटा वाला पार्ट यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है बच्चों, है ना। छोटा वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन जब हम दूसरा वाला साइड देखते हैं तो लंबा वाला पार्ट तो सही आ रहा है लेकिन छोटा वाला पार्ट ऊपर आ रहा है बच्चों। आया समझ में? अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया ना तो एक मिनट मुझे दो, एक मिनट दो, मैं एक मिनट आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये रेक्टेंगल है बच्चों, दिख रहा है ना, है ना। अब पहले हम इसको ऐसे में फोल्ड करके देखते हैं, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों सेम है, सब लोग मुझे बताओ, दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली इमेज दोनों सेम है। लेकिन अब हमारी जो ड्राइंग दी हुई है उसमें टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है, उसमें कहां से लाइन ड्रॉ की गई है, बीच में से लाइन ड्रॉ की गई है। लाइन बच्चों ऐसे में ड्रॉ है ना, तो हम इसको अब ऐसे में ही फोल्ड करके देखते हैं। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, आप देखो ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओजस देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन अब हम इसको जब ऐसे में देखेंगे तो कॉर्नर वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये एक जैसी ड्रॉइंग्स है क्या, ये एक जैसी ड्रॉइंग्स है बच्चों? नो मैम। कनिष्का? यस मैम। क्या ये एक जैसी ड्रॉइंग्स है? मैम अच्छे से दिख नहीं रहा। देखो बेटा दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ रहा है और इस वाली ड्रॉइंग में कॉर्नर पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये एक जैसी ड्रॉइंग्स नहीं है ना। नो मैम। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे एक मिनट देना, सिर्फ एक मिनट, क्लास कोई लीव नहीं करेगा, मुझे होमवर्क देना है बहुत इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, बस मुझे। मैम चलो ठीक है, लिसन टू मी, अब जल्दी से टेक्स्ट बुक खोलो, होमवर्क लिख लो पेज नंबर 10 वाली एक्सरसाइज में, पेज नंबर 11 वाली एक्सरसाइज में बच्चों पढ़ना और समझना। ठीक है आप पेज नंबर 9 तक ही कर लो, ठीक है, हम बाकी का कल डिस्कस करेंगे। बच्चों इट्स टाइम टू एंड आवर क्लास, आप पेज नंबर 9 तक होमवर्क कर लो, लिसन टू मी, डू टिल पेज नंबर 9, ओके, पेज नंबर 9 तक आप कर लो, 10 और 11 हम कल डिस्कस कर लेंगे। चलो इट्स टाइम टू एंड आवर क्लास। नाइन्थ में, नाइन्थ से आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ 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 यस बच्चों, चलो शांति बात करना है अब हमें। बाद में डिस्कस करेंगे। यस साई राम, बाय बाय। लीव द मीटिंग सून।